प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के इतिहास में पहली बार, वैसे तो और भी बार हुआ होगा लेकिन ऐसे योग बहुत कम बनते हैं, क्या हर राशि को एक राजयोग मिलेगा? बहुत कम चांसेज होते हैं। और यह शनि के राशि परिवर्तन करते ही हुआ है। जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया वैसे ही कहने कहीं डबल डबल राजयोग भी बने और सिंगल महापुरुष राजयोग भी बने, और चार राशियों के लिए तो अरबों रुपया कमाने का योग बना, बहुत पैसे वाला योग भी बना। तो हमने सोचा, वैसे तो शनि के ऊपर बहुत सारे एपिसोड बनाए हुए हैं, बहुत जगह जगह आपको जानकारी भी दी है, जब बकरी हुआ तब भी जानकारी दी थी, आज फिर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि शनि अब 17 जनवरी 2023 तक, समझ लीजिए कि अब पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी पूरे 6 महीने, इतने समय तक शनि का जो प्रभाव है वो पूरा की पूरा अभी मकर राशि के ऊपर रहेगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि मकर राशि के ऊपर से शनि की पीक आवर की 7.5 हट गई थी लेकिन दोबारा वो पीक आवर में आ गई, यानी छाती के ऊपर उसका हिस्सा आ गया। धनु राशि के ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो गया था लेकिन उनके ऊपर शनि की 7.5 दोबारा से आ गई। मिथुन राशि के ऊपर से शनि की डैया समाप्त हो गई थी, दोबारा से चालू हो गई है। और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 सिर के ऊपर चालू हुई थी, वो दोबारा से अब हट जाएगी और फिर दोबारा 17 जनवरी से ये चालू होने का योग बनेगा। और तुला राशि के ऊपर शनि की जो ढैया थी वो दोबारा से चालू हो जाएगी क्योंकि बीच में तुला राशि से शनि की ढैया हट चुकी थी। तो ग्रहों के प्रभाव, शनि यानी पांच राशियों को कहीं ना कहीं जब चलता है तो एक साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जब हमने शनि को रिसर्च किया तो देखा कि मंगल और शनि आमने सामने, और बहुत सारे स्टारों की गति अगर देखा जाए तो इसके आने से इतिहास एक ऐसा बनेगा, ये रियरेस्ट से रियरेस्ट केस ऐसे बनते हैं कि जहां पर हर राशि वालों को एक महापुरुष राजयोग, कुंडली में अगर एक महापुरुष राजयोग हो तो आदमी राजाओं वाली जिंदगी जीता है। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं लेकिन एक मिनिस्टर वाली जिंदगी जीता है, और मिनिस्टर वाली जिंदगी का मतलब होता है कि आदमी के पास सुख साधन, नौकर चाकर, गाड़ी, मकान, भूमि, जायदाद, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की मनोस्थिति और उस सुख साधनों का वो कहीं ना कहीं भोग करता है, उसके पूरे के पूरे इफेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे, हर राशि की जानकारी आपको देंगे, 12 की 12 राशियों की जानकारी देंगे, सारे के सारे राजयोगों की जानकारी देंगे। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में पहले ही रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और मंत्रेश्वर महाराज बोलते हैं, पारसर जी बोलते हैं कि मेष राशि के अंदर मंगल लग्न में बैठा हो तो यह बहुत पावरफुल राजयोग बना देता है, जबकि यहां राहु साथ बैठा है उसकी वजह से थोड़ा क्रोध तो हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो राजाओं की जिंदगी जीता है, वो मिनिस्टर की जिंदगी जीना शुरू कर देता है, बशर्ते इसके साथ बृहस्पति भी बलवान होना चाहिए, और बृहस्पति स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, और शुक्र भी बलवान होना चाहिए, शुक्र भी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, तो एक जबरदस्त योग बनता है। तो यहां ऋषि पारसर जी अपने योगों की श्रृंखला में कहते हैं कि अगर कैसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी में भी पैदा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर राजाओं वाली जिंदगी जीता है। तो यहां मेष राशि को
दो महापुरुष राजयोग, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग और दूसरा कर्म भाव पर शनि का महापुरुष राजयोग बन जाए बन गया है, क्यों शनि आज राशि परिवर्तन कर चुका है। वृष राशि की बात करेंगे, 12 की 12 राशि, वीडियो को अंत तक देखिए, अपनी राशि का महापुरुष राजयोग देखिए और उसका बेनिफिट देखिए। तो मेष राशि वालों के लिए अरबपति बनने का योग बनता है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हम तो अरबपति बने ही नहीं। अभी शुक्र कुछ ही समय का मेहमान है और ये बदल जाएगा। आज 12 तारीख है, 13, 14, 15, 16 और इन्हीं दिनों में, यानी इसकी बदलाव की योग है क्योंकि सूर्य बदलेगा, तो यानी आज 12 है और कल शुक्र बदल जाएगा। तो रियरेस्ट से रियरेस्ट, मैंने कहा इतिहास में ऐसे योग कम बनते हैं, तो शुक्र कल बदलेगा, इसलिए यहां पर वृष राशि वालों को राजयोग मिल रहा है, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। बात करेंगे मिथुन राशि की, मिथुन राशि के ऊपर भद्र नाम का ज्ञान वाला राजयोग है, व्यापारी राजयोग है और दूसरा मान सम्मान वाला राजयोग है। इसका मतलब ऐसा आदमी राजनेता भी हो सकता है और साथ में व्यापारी भी हो सकता है। यहां हंस नाम का बहुत ही शानदार योग है और चंद्रमा स्वयं बुद्ध के सामने, पूर्णिमा का चंद्रमा चंद्रमा केंद्र के अंदर हो, बृहस्पति भी केंद्र में हो, ऐसा व्यक्ति छोटे परिवार में, गरीब परिवार में, मजदूर परिवार में भी पैदा होकर के ऐसा व्यक्ति अरबपति बनता है, बहुत पैसे वाला बनता है। जैसे कि अभी एकनाथ शिंदे जी, सुना है कभी रिक्शा चलाते थे और कहां से कहां पहुंच गए, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत छोटे परिवार से आते हैं। तो ऐसी कुंडलियों में चंद्रमा केंद्र में हो और चंद्रमा भी चौथे सातवें, यानी लग्न को छोड़कर के चंद्रमा तीन भावों में हो और बृहस्पति भी इन्हीं तीन भावों में बन जाए, तो ये योग बनता है। मिथुन वालों के लिए स्पेशल ये राजयोग बनता है। अगर इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए भी जबरदस्त लाभ मिलेगा, यानी ये छोटे परिवार पैदा होने के बाद भी ऊंचाइयों को छुएंगे। कर्क राशि वालों के लिए विशेष अरबपति योग बन रहा है, यहां पर सस नाम का महापुरुष राजयोग है और कर्म भाव पर रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है। आप भी बहुत पावरफुल स्थिति में आते हैं यहां पर। यहां भाग्य स्थान पर बृहस्पति और लाभ स्थान पर शुक्र है, बहुत जबरदस्त योग बनता है, इसलिए यहां पर भी दो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। सिंह राशि की बात करेंगे, सिंह राशि वालों को कर्म भाव पे मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है, यहां पर बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन का है और शुक्र ने बदल जाना 13 तारीख को, तो इसलिए ये 24 घंटे का भी मुझे लगता है राजयोग ही रहेगा, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस समय जिनकी डिलीवरी होनी है वो इन कुंडलियों का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनके मैं जानकारी दे रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए फिर दो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं और अरबपति महापुरुष राजयोग बन रहे हैं, धनाढ्य राजयोग बन रहे हैं, चंद्रमा चौथे है, चौथे भाव में चंद्रमा हो और लग्न को बृहस्पति देखता हो, बुध का केंद्रीय प्रभाव हो, यहां पर हंस नाम का महापुरुष राजयोग, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग और भाग्य स्थान पर नवमेश शुक्र स्वराशि के अंदर है, ये भी बड़ा जबरदस्त योग यहां पर बना हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि यहां पर भी अरबपति योग बनता है, जबरदस्त योग बनता है। तुला राशि की बात करेंगे, यहां पर भी डबल डबल महापुरुष राजयोग बनता है। एक चौथे भाव में सस नाम का महापुरुष राजयोग, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिल्डर होता है, ब्याज का काम करता है, बैंकों का मालिक होता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, लोहे का व्यापारी होता है, शराब के ठेके होते हैं और साथ में पत्नी के माध्यम से भी ऊंचाइयां मिलती हैं। रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है और दूसरा सस नाम का महापुरुष राजयोग है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, पत्नी के माध्यम से ऊंचाइयां मिलती हैं, जबरदस्त लाभ यहां पर मिलता है। धनु राशि की बात करेंगे, धनु राशि वालों को दो महापुरुष राजयोग और अरबपति राजयोग बना रहे हैं। एक है आपकी राशि का स्वामी गुरु, वो 14 डिग्री के ऊपर चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग, चंद्रमा से चौथे बृहस्पति जबरदस्त योग बनता है और चंद्रमा से सप्तम में यानी सूर्य, यानी ये भी गुरु पूर्णिमा का दिन बनता है और पूर्णिमा के चंद्रमा लग्न चौथे सप्तम दशम में बैठा हो,
बहुत जबरदस्त योग बनता है, रेयरेस्ट से रेयरेस्ट। इसलिए मैंने एक ऐतिहासिक कुंडलियों के नाम दिए हैं कि इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है। मकर की बात करेंगे, यहां पर भी शनि ने आते ही इतिहास रच दिया। दो यहां पर राजयोग, सस नाम का महापुरुष राजयोग और रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहे। मंगलिक जरूर बनता योग, लेकिन पैसे वाले योग जबरदस्त बनेंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे तो यहां पर मालव नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। इसमें सुख साधन जबरदस्त आते हैं, आदमी महलों का मालिक होता है, बड़ी बड़ी कोठियां फार्म हाउस उसके पास रहते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के ऊपर वो चलता है। और अंत में मीन राशि वालों को भी दो महापुरुष राजयोग यहां पर बन रहे, अरबपति महापुरुष राजयोग बन रहे। यानी एक तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है और दूसरा भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनता है, और दशम में चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा जबरदस्त। इस विषय पर मैं कल या परसों में एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। ये बहुत जबरदस्त विषय आ रहा है कि चौथे भाव में सातवें और दसम में पूर्णिमा का चंद्रमा अगर आ जाए तो आदमी छोटे से मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अरबों का मालिक होता है। इसलिए मैंने ये अरबपति योग भी साथ में दिया था। बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक मामला है ये। लेकिन चंद्रमा तो अभी कल और परसों रहेंगे, परसों चेंज हो जाएंगे, तो मुझे ये एपिसोड कल ही बनाना पड़ेगा और कल मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। और कल शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, 13 तारीख है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये प्रोग्राम हमारा देखते रहिए और साथ में इसको सब्सक्राइब भी करिए। मित्रों, आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। और ये है मेरा दिल्ली का पता, आप इसको नोट कर लिए, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।